और आइए अब बात करते हैं पुतिन के साइलेंट वॉर की। बिल्कुल सही सुना आपने, साइलेंट वॉर। यूक्रेन में भले ही बम, गोलों और मिसाइल का शोर है, लेकिन इस युद्ध की रणनीति को पुतिन अपने वॉर रूस में बहुत ही खामोशी के साथ बनाते हैं। यूक्रेन युद्ध को कवर कर रहे इंटरनेशनल मीडिया ने तो यहां तक कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को जहां बताना आता है वहीं पुतिन को छिपाना आता है। मिसाल के तौर पर पुतिन के मॉस्कोवा शिप के साथ रूस के कई रहस्यों को समंदर के अतल गहराइयों में पहुंचा दिया गया। ज़ेलेंस्की क्या क्या बता रहे हैं और पुतिन क्या क्या छिपा रहे हैं, इसे स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ज़ेलेंस्की ने कबूल लिया है कि यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है, लेकिन पुतिन अभी भी खामोश हैं। ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन के 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना झंडा गाड़ दिया है, लेकिन पुतिन चुप हैं। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूक्रेन की सेना ने रूस के 30,000 सैनिकों को मार डाला है, लेकिन पुतिन का कोई बयान नहीं आता। रूस का रक्षा मंत्रालय कहता है कि सिर्फ 1,351 सैनिकों की जान गई। ज़ेलेंस्की फ्रंट पर डटे सैनिकों के बीच पहुंचते हैं, लेकिन पुतिन वार फ्रंट पर ना पहुंचकर चुपचाप युद्ध की रणनीति बनाती है। ज़ेलेंस्की रूस के वार शिप मॉस्कोवा की तबाही का जिक्र कर अपनी कामयाबी का ढिठोरा पीटते हैं, तो वहीं पुतिन बड़ी ही गोपनीयता के साथ मॉस्कोवा की तबाही को रहस्य बना देते हैं। ज़ेलेंस्की को बताना आता है तो वहीं पुतिन को छुपाना आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ 5 घंटे में सिमट गया होता यूक्रेन युद्ध। घंटे में क्यू पर हो गया होता रूस का कब्जा। सात घंटे में पुतिन ने बजा दिया होता विजय का बिगुल। आठ घंटे में रूसी फौज यूक्रेन से कूच कर चुकी थी। नौ घंटे में सारी दुनिया जान चुकी होती पुतिन ने यूक्रेन को परास्त कर दिया। दस घंटे में बाइडेन टू बोरिस जॉनसन मैसेज पहुंच गया होता। ग्यारह घंटे में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिंदा बच गए। रूस यूक्रेन महायुद्ध 100 दिनों से ज्यादा चलता ही नहीं अगर ज़ेलेंस्की को रूस की फौज ने युद्ध के पहले ही दिन दबोच लिया होता, उनकी हत्या हो गई होती। ये सभी बातें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया को बता देते हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी हर रणनीति को छुपा जाते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह। रूसी फौज ने किस तरह कीव के राष्ट्रपति भवन में ही ज़ेलेंस्की को पकड़ने की पूरी प्लानिंग की थी, इसका राज खुला है। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने दावा किया है कि रूसी सैनिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके परिवार को पकड़ने आए थे। रूस के सैनिक कीव में दाखिल हुए, वो हर हाल में ज़ेलेंस्की और उनके परिवार को पकड़ना चाहते थे। दो बार रूसी सैनिकों ने ऑफिस परिसर में घुसने की कोशिश की थी। राष्ट्रपति के गार्ड ने परिसर को सुरक्षित करने की कोशिश की। उस रात से पहले हमने सिर्फ फिल्मों में ऐसी चीजें देखी। जल्दी ही ये साफ हो गया कि ज़ेलेंस्की टारगेट थे
और राष्ट्रपति कार्यालय भी अब सुरक्षित नहीं था। ज़ेलेंस्की के सुरक्षा अधिकारी ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की रूसी सेना की पूरी कहानी सिलसिलेवार सुनाई है, हूबहू वैसे ही जैसे उनके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध से जुड़ी सही जानकारी दुनिया को बता देते हैं। लेकिन पुतिन हैं जिनके दफ्तर के पत्तों की सरसराहट भी दुनिया सुन नहीं पाती। 69 साल के पुतिन पिछले 3.25 महीनों से यूक्रेन के साथ युद्ध में अपने देश और अपनी सेना की कमान संभाले हुए हैं। रूस भले ही अब तक निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया हो, लेकिन पुतिन की सीक्रेट पावर से दुनिया के बड़े बड़े देश अब भी घबराए हुए हैं। यूक्रेन की हर कमजोरी दुनिया के सामने आ जाती है, लेकिन रूस के कमजोर नस को पुतिन बहुत ही चालाकी से पर्दे से ढक देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपने फ्लैगशिप मस्कोवा की तबाही से जुड़े सच को समंदर की अतल गहराइयों में ले जाकर श्रीप के साथ ही दफन कर दिया है। दावा है कि यूक्रेन के हमले में तबाह हुए मस्कोवा श्रीप को किनारे लाया जा रहा था, लेकिन श्रीप को साहिल मिलती उससे पहले ही बीच रास्ते में मस्कोवा समंदर में समा गया। लेकिन रूस के दावे से अलग पश्चिमी देशों को अंदेशा है कि ऐसा पुतिन के इशारे पर हुआ है, क्योंकि मस्कोवा के डूबने के साथ साथ उसकी कमजोरी और उससे जुड़ा रहस्य भी अब समंदर में समा गया है। 13 अप्रैल 2022 को ओडेसा के पास ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के फ्लैगशिप मस्कोवा पर मिसाइलों से हमला किया। रूस इसे हादसा बता रहा है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने बीच समंदर में मस्कोवा पर अपनी नेपच्यून मिसाइल से हमला किया और शिप को तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में अपनी दो बहुत ही खतरनाक नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया, और जब ये मिसाइलें रूस के वॉरशिप मस्कोवा से टकराई तो जहाज में आग के शोले उठने लगे। देखिए नेपच्यून मिसाइल कैसे कोस्टल डिफेंस के रूप में दागी जाती है। मस्कोवा एक मिसाइल क्रूजर था और ये ब्लैक सी फ्लीट में रूस का कमांड सेंटर के तौर पर मशहूर था। 1979 में लॉन्च हुआ मस्कोवा स्लावा क्लास का मिसाइल क्रूजर था, जिसका नाम रूस की राजधानी मॉस्को पर रखा गया था। ये 600 फुट लंबा वॉरशिप था। 12,500 टन के वजन के साथ ये ब्लैक सी में रूसी सेना का कमांड शिप कहा जाता था। करीब 500 नौसैनिकों और अफसरों के साथ ही ये रूस के सबसे बड़े वॉरशिप में से एक था। साल 2000 में मस्कोवा को नए विपण सिस्टम से लैस किया गया था। 20,000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट करने वाले मस्कोवा पर कई खतरनाक हथियार मौजूद थे, जिसमें वुल्केन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी मौजूद थी और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी। इसमें लगी 130 मिलीमीटर की गन AK-130 से हवाई टारगेट्स को खत्म किया जा सकता था। ये 8 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन और 15 किलोमीटर की रेंज में विमान को निशाना बना सकती थी। करीब 1.5 महीने के बाद मस्कोवा शिप के साथ समंदर में समा गए 20 साल के रूस के नौसैनिक के पिता का बहुत ही सनसनीखेज दावा सामने आया है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल में एक स्पेशल रिपोर्ट छपी है, जिसमें रूस के नौसैनिक के पिता का हवाला देकर लिखा गया है, क्रेमलिन ने जानबूझकर काला सागर फ्लैगशिप को डुबो दिया ताकि यूक्रेन के नेपच्यून मिसाइलों के साथ क्रूजर पर हमला करने के बाद आपदा से जुड़े सच पर पानी फेरा जा सके। रूस का मस्कोवा वॉरशिप 40 साल से ज्यादा पुराना था, लेकिन यह नाटो के लिए ब्लैक सी में बड़ा खौफ माना जाता था। लेकिन जब यूक्रेन ने इस पर अपनी नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से हमला किया तो देखिए क्या हुआ।
नेपच्यून मिसाइल को हवा से, जमीन से या फिर किसी वॉरशिप से भी दागा जा सकता है। दुश्मन के राडार से बचाने के लिए ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज यानी आखिरी दौर की उड़ान के दौरान समंदर की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई कूदती है। जब टारगेट करीब आता है तो ये 3 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यही वजह है कि किसी वॉरशिप का क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसे आसानी से रोक नहीं पाता और फिर ये शिप से टकरा कर उसे तबाह कर देती है। ऐसा ही रूस के मिसाइल क्रूजर मोस्कोवा के साथ हुआ। ये मिसाइल समंदर की सतह से चिपक कर उड़ती रही। इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को निशाना बनाना आसान नहीं होता। इसी तरह ये मोस्कोवा के करीब पहुंच गई और फिर हुआ ऐसा धमाका जिसने रूस की नेवी को हिला कर रख दिया। मोस्कोवा में लगे क्लोज इन वेपन सिस्टम जैसे AK-630 एक मिनट में 4000 राउंड यानी 30 मिलीमीटर की 4000 गोलियां दाग सकता है। ये किसी भी वॉरशिप को मिसाइल से बचाने के लिए आखिरी हथियार होता है, लेकिन AK-630 दो नेपच्यून मिसाइलों के हमले को रोकने में नाकाम रहे। दोनों मिसाइलें बहुत तेज रफ्तार से मोस्कोवा से जा टकराई। नेपच्यून मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम स्पीड से चलती है, यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। रफ्तार 900 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। करीब 4.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 850 किलो से ज्यादा होता है। इसमें इसका वॉरहेड ही 150 किलो का होता है। सीक्रेट एजेंट और एक KGB अफसर के रूप में पुतिन ने कई अदृश्य जंग लड़ी है, कई जीती है। पुतिन का उसमें क्या रोल रहा, ये बात आज भी उनके काम की तरह सीक्रेट है। लेकिन रूस की सत्ता की कमान जब से पुतिन के हाथों में आई है, तब से रूस ने हर युद्ध जीता है। पुतिन के नेतृत्व में रूस को एक भी जंग में नाकामी हाथ नहीं लगी। पुतिन का युद्ध वाला रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। पिछले 2 दशकों में पुतिन ने रूस के लिए जो करके दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन में जंग शुरू करने के पीछे वो कॉन्फिडेंस भी रहा है। पुतिन जब मोटर बाइक पर सवार होते हैं, उनका स्टाइल देखिए, दुनिया के कई युवा नेताओं पर भारी पड़ता है। पुतिन जब बर्फ से जमी नदी में डुबकी लगाते हैं, तो अमेरिका और यूरोप को समझ आ जाता है कि उनका पाला एक ऐसे नेता से पड़ा है जो सीना चौड़ा करके अपने देश को उसका पुराना गौरव वापस लौटाना चाहता है। पनडुब्बी की सवारी या आइस हॉकी के मैदान पर सरपट दौड़ना या फिर सधे हुए हाथों से बंदूक चलाना, ये सब पुतिन के फौलादी शौक का हिस्सा है। युद्ध की रणनीति में भी पुतिन अपनी अय्यारी वाली दाव पेश नहीं भूलते। दावा किया जाता है कि पुतिन अपनी सेना से ज्यादा अपनी प्राइवेट आर्मी पर भरोसा करते हैं। वो रमजान कादिरफ पर यकीन करते हैं, वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को युद्ध में शामिल कराते हैं, सेना के साथ साथ रूसिज ग्रुप को जंग में उतारते हैं। ये सभी पुतिन की ऐसी जल्लाद सेना मानी जाती है जो मौत बरसाकर जश्न मनाते हैं। ये रूस के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। पुतिन की ये प्राइवेट आर्मी यूक्रेन में ना सिर्फ मौजूद है बल्कि युद्ध में अपना काम बखूबी कर रही है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरों को पेश किया गया है। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3,
सबूत नंबर 4, सबूत नंबर 5, इन रूसी लड़ाकों की लोकेशन खार्किव बताई जा रही है। तस्वीरों में इनके पास जेड निशान वाली रूसी गाड़ी भी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में दावा किया जाता है कि ये निर्मम जल्लाद से भी बेरहम होते हैं। रूसी लड़ाके कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते। पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की नाजी सेना से की जाती है। ब्रिटेन का मशहूर अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसिज ग्रुप का गठन एलेक्सी मिलचको और यान पेत्रोवस्की ने की थी। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसिज ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी के तौर पर कुख्यात वैगनर ग्रुप से जुड़ा है, वही वैगनर ग्रुप जिसके लड़ाकों को हाल ही में यूक्रेन में देखा गया है। ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने ऐसे 1000 से भी अधिक खूंखार लड़ाकों को यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में दाखिल कराया। सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2, जिस तस्वीर को तैनाती का सबूत बताया जा रहा है उसमें सैनिक की वर्दी पर जो लोगो है वो वैगनर ग्रुप का है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। ये AK-15 राइफल थामे हुए हैं। AK-15 राइफल का इस्तेमाल रूस की स्पेशल फोर्स करती है। ये लड़ाके रेडसन पार्क इन होटल के सामने खड़ा है जो यूक्रेन के डोनेस्क में है। दावा है कि यूक्रेन में ऐसे 1000 से अधिक लड़ाके घुस गए हैं। इन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अदृश्य सेना कहा जाता है। ऐसी सेना जो किसी को दिखाई नहीं देती, चोरी छिपे धावा बोलती, अपने टास्क पूरा करती है और पलक झपकते गुम हो जाती है। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब जब डॉनबास की लड़ाई अपने चरम पर है उस वक्त डॉनबास में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की तैनाती को पुतिन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिनकी यूक्रेन में मौजूदगी को पुतिन बहुत ही आसानी से छिपा जा।